नवनिर्मित थाना अध्यक्ष कार्यालय पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा किया गया उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएस न्यूज में। अंबेडकर नगर के एक सराहनीय कार्य के साथ मैं हूं श्रेया मौर्य। थाना भीटी परिसर में बने नवनिर्मित थाना अध्यक्ष कार्यालय का पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने उद्घाटन किया। कई सालों से जर्जर पड़े थाना भीटी परिसर का आरक्षी भोजनालय थाना अध्यक्ष संजय पांडे ने अपने प्रयास और जन सहयोग से जीर्णोद्धार कराया। कार्य पूरा होने पर बुधवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने थाना भीटी पहुंच नवनिर्मित कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके अलावा थाना परिसर में पौधारोपण भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। दो चौकीदारों को नई साइकिल वितरित किया गया तथा कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी चौकीदारों को गांव में वितरण करने के लिए मास्क तथा सभी चौकीदारों को उनके टार्च में लगने वाले सेल को भी वितरण किया गया। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कार्य की सराहना करते हुए कहा कि थाना अध्यक्ष कक्ष का निर्माण होने से आने वाले फरियादियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एसपी आलोक प्रियदर्शी ने स्थानीय लोगों द्वारा किए गए सहयोग की भी सराहना की। नवनिर्मित थाना अध्यक्ष कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सीओ भीटी कृष्णकांत शुक्ला, अहिरौली थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह, महरुआ थाना अध्यक्ष विवेक वर्मा, भीटी थाना के सभी स्टाफ एवं स्थानीय जन सहयोगियों के अलावा काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने इंस्पेक्टर संजय पांडे के प्रयासों की जमकर सराहना की। हमारे सीएस न्यूज के लिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट।